बाबरी विवाद के बाद अब रुक करते हैं योगी के पावर पंच का, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक पांच उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं। यूपी में लाल बत्ती अब नहीं इस्तेमाल हो पाएगी, यूपी लाल बत्ती मुक्त हो जाएगा। इसका असर आज ही देखने को मिल गया। दरअसल सचिवालय में कोई ऐसी गाड़ी नहीं दिखी जिसमें लाल बत्ती या फिर नीली बत्ती लगी हो। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के फैसलों पर भी पहले पाबंदी लगा दी थी, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जमीनों के मुआवजे पर उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं यश भारती सम्मान की समीक्षा का ऐलान भी कर दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए यूपी में आश्रय गृह बनाया जाएगा। तो ये पांच बड़े फैसले योगी सरकार की ओर से, और इनका असर भी अब दिखाई देने लगा है। मोदी सरकार ने लाल और नीली बत्तियों को बंद करने का आदेश दिया है, वो 1 मई से लागू होगा, लेकिन योगी सरकार ने उसके पहले आज यानी 21 अप्रैल से ही इसे लागू कर दिया है। हम इस वक्त सेक्रेटेरिएट और विधानसभा के भीतर हैं, जहां कतार से गाड़ियां खड़ी हैं और दर्जनों की तादाद में वो तमाम गाड़ियां हैं जो मंत्रियों और जो अधिकारी हैं उनकी सरकारी गाड़ियां हैं, लेकिन किसी भी गाड़ी पर एक भी न तो लाल बत्ती दिखाई दे रही है और ना ही नीली बत्ती। दरअसल देर शाम जब मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है, उसके बाद से ही तमाम अधिकारियों ने अपनी गाड़ियों से लाल और नीली बत्तियां हटा दी हैं, मंत्रियों ने अपने बत्तियां हटा दी हैं, और आप देख सकते हैं जितनी गाड़ियां इस वक्त आ रही हैं इस सचिवालय में, किसी भी गाड़ी पर कोई भी बेकॉन लाइट नहीं है। यानी कि योगी सरकार का जो डंडा है वो चला है, और जो तमाम अधिकारी और मंत्रियों की गाड़ियां हैं कहीं किसी पर एक भी कोई बेकॉन लाइट दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं ये लोगों को एक बराबर करने की कोशिश दिखाई दे रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज।